पापा तो सिर्फ फार्मर है। हम स्टार्टिंग से तो नीटी का प्रिपरेशन कर रहे थे, बोर्ड पे फोकस नहीं था। समाज की सेवा करनी है? यस सर। और पैसा भी कमाना है? सर पैसा तो कमाना, मतलब पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, तभी तो खुद भी एग्जिस्ट। सर मेरा तो मानना है कि ऑफलाइन से अच्छा ऑनलाइन ही होता है, मतलब मेरा ऐसा व्यू है। समाप्ति मैम कैसा पढ़ाती है? सर वो बहुत अच्छा पढ़ाती है सर, वो तो जब क्लास में पढ़ाती है तभी मतलब वहीं पे याद हो जाता है। क्या नाम है आपका? सर नेत्रा राज। कहाँ के रहने वाली हो? बिहार छपरा। आई छपरा के रहने वाली है? यस ठीक है। छपरा में क्या के रहने वाली हो? सर सर छपरा में सर सारण है ना वही। छपरा में किस जगह पे रहती मतलब, हो साधनापुरी सर, साधनापुरी दयावर टोला। अच्छा प्रॉपर छपरा में राइट? यस सर। ओके ओके ठीक है ठीक है, चलो इंटरव्यू शुरू करते हैं। यस। कितना परसेंट मार्क्स है आपका? 96.6। पीडब्ल्यू के किस बैच से आपने पढ़ाई किया था? सर लक्ष्य नीट। लक्ष्य नीट। नीट में कैसा स्कोर रहा? सर नीट में सर अभी कैलकुलेट करने पे 647 आ रहा। 647 तो क्या लगता है एडमिशन हो जाएगा? लग तो रहा है पर अभी रिजल्ट नहीं आया तो कारण से। ओके ओके। कौन कौन से टीचर से पढ़े थे आप पीडब्ल्यू के? सर एमआर सर, समाप्ति मैम, पंकज सर, अमित महाजन सर, मोहित दादी सर और रुपेश सर। समाप्ति मैम कैसा पढ़ाती है? सर वो बहुत अच्छा पढ़ाती है सर, वो तो जब क्लास में पढ़ाती है तभी मतलब वहीं पे याद हो जाता है, वो जो कराती है क्लास। यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है। तो रिजल्ट आने के बाद कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, अच्छा जैसा मतलब एक्सपेक्टेशन था वैसा आया है रिजल्ट। तो आपने जब तैयारी शुरू करी होगी क्लास 11th में, तो बोर्ड को सोचा था कि बोर्ड में भी अच्छा करेंगे नीट में भी अच्छा करेंगे, या नीट की तैयारी कर रहे थे बोर्ड में बस हो गया? यस सर, हम स्टार्टिंग से तो नीटी का प्रिपरेशन कर रहे थे, बोर्ड पे फोकस नहीं था, लेकिन जब बोर्ड के लिए मतलब एक दो महीना बचा था तो फिर उसका भी डर था कि उसमें भी अच्छा करना है, तो फिर इसलिए मतलब उसमें तो सिलेबस तो सेम रहता है, बस लिखने का प्रैक्टिस करना था। ओके मतलब बोर्ड आराम से हो गया? यस सर, अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो गया, बोर्ड भी हो गया साथ में। आपने साइड में क्या सब्जेक्ट लिया था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के अलावा कौन से सब्जेक्ट लिया था? इंग्लिश और पेंटिंग था, मेरे स्कूल में पेंटिंग था। पेंटिंग आता है आपको अच्छे से? सर उसमें थ्योरी लिखना रहता है, ड्राइंग भी बनाना रहता है, प्रैक्टिकल में बस ड्राइंग होता है। तो आपको ड्राइंग मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, ड्राइंग बनाने आता है? आता है यस सर। कुछ बनाई हो दिखाना चाहती हो अभी? कुछ है सामने जो दिख रहा हो? सर दूसरे रूम में। नहीं फिर रहने दो ठीक है, इंटरव्यू के लास्ट में देख लेंगे ठीक है। यस सर। हाँ ओके। तो उसमें कितना नंबर आया आपका? सर पेंटिंग में 99 आया। अरे वाह। यस सर। मैं कॉल लड़की का ले रहा था, उसका म्यूजिक में शायद 99 या 98 आया था, मतलब ये सब स्कोरिंग है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यस सर। बच्चों को यही सब सब्जेक्ट लेने चाहिए, पेंटिंग म्यूजिक, और करना yes, भी नहीं है लिखना है सिर्फ। यस सर। yes, और उसमें प्रैक्टिकल का ही 70 मार्क्स प्रैक्टिकल से था, बस 30 मार्क्स का मेन थ्योरी का एग्जाम। 70 प्रैक्टिकल से था, मतलब आपको बनाना yes. भी पड़ता है? हाँ उसमें 10 पेंटिंग्स बना के मतलब स्कूल को दिखाना पड़ता है, एक्सटर्नल आता है ना उन्हें। देखो मेरे पीछे भी एक पेंटिंग दिख रही है। यस सर। ये मैंने नहीं बनाया है। यस सर। ओके ठीक है। तो रिजल्ट जब आपका आया तो आपके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? सर बहुत उनको बहुत खुशी हो रहा था, मतलब प्राउड फील हो रहा था कि मतलब पहली बार मतलब उनकी बेटी का इतना, मतलब 10th में मेरा कम ही मार्क्स था, 12th में ही जाता है। कितना था 10th में? 10th में 95 समथिंग था, लेकिन सीबीएसई बोर्ड, सेम बोर्ड ना सीबीएसई बोर्ड? हां यस सर। ओके बचपन से आपने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई किया है? यस सर सीबीएसई से ही था। और 10th में अच्छा नहीं आ पाया था, बट 12th में आपने मचा दिया, काफी अच्छा है राइट? यस सर। तो अच्छा मैं बीच में बोल दिया, आपसे पूछ रहा था कि पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? सर वो बहुत खुश हुए, मतलब रिजल्ट देख के, मतलब रिजल्ट आता है तो डर तो बहुत लगता है कि कैसा आएगा, लेकिन जब रिजल्ट देखे तो बहुत अच्छा लगा उनको भी। थोड़ा सा उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करो कि जब आपका रिजल्ट आए
मतलब आया, आप जस्ट रिजल्ट चेक करने जा रहे थे, तो आपके अगल बगल में कौन था, कैसा माहौल था? सर पहले में तो पता भी नहीं था कि रिजल्ट आ गया है, मतलब हम बैठ के, मतलब दीदी मेरी आई हुई थी, वो बाहर रहती है, तो उनके साथ बस बैठे थे, ऐसे बात कर रहे थे, फिर भैया मेरा क्लास कर रहा था उस टाइम, तो वो आके बताया कि सर नोटिफिकेशन उनके मोबाइल पे है, तो बताए कि रिजल्ट आया, फिर हमको पता भी नहीं था, और दो घंटे बाद जब रिजल्ट आया तब हम चेक किए, तो फिर जब पता चला तो उस वक्त मम्मी थी, पापा नहीं थे घर पे, तो फिर मम्मी सोई हुई थी, तो फिर मम्मी फिर आई, सब एकदम जग गया, तो फिर उसके बाद फिर चेक किए, तो फिर आ गया, अच्छा मार्क्स आया था, कैलकुलेट किए थे। ओके, तो सबसे पहले रिजल्ट किसको बताया था आपने, मम्मी को या पापा को? मम्मी को, फिर पापा। ओके ओके, तो अभी पूरा मिठाई उठाई बटा होगा मोहल्ले में? यस सर। मोहल्ले के लोगों का क्या रिएक्शन है, अगल बगल के लोगों का? सर कुछ नहीं, वो मतलब वो बड़ाई कर रहे थे कि वहां पढ़ती थी, तो मतलब आना ही था इसका, तो आ गया, मतलब खुश है। आपने ऑफलाइन भी कहीं से कोचिंग लिया था या सिर्फ ऑनलाइन? सर जब टेंथ मेरा खत्म हुआ था तो फिर मतलब हमको पता नहीं था उस वक्त ऑनलाइन का, तो लेकिन जब कोरोना सेट आया तो उस वक्त पीडब्ल्यू आया था, उसका भी मुझे नॉलेज नहीं था पीडब्ल्यू का भी, लेकिन जब टेंथ खत्म हुआ तो फिर हम यूट्यूब इसी तरफ खोले थे तो देख रहे थे, तो उसमें एक मैम थी, वही समाप्ति मैम का ही हम लेक्चर देखे थे, तो हमको बहुत अच्छा लगा वो पढ़ाई जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रही थी, तो फिर हम फिर पीडब्ल्यू के बारे में और सर्च किए नेट से, तो फिर इलेवेंथ में ही हम पीडब्ल्यू का अर्जुना नीट 1.2 वाला बैच करते हैं, और फिर 12th में लक्ष्य नीट 1.2। ओके, तो समाप्ति मैम से मिलने की इच्छा है आपकी? यस सर। बहुत फाइन लग रही हो आप समाप्ति मैम की, राइट? यस सर, और एमआर सर से भी। अच्छा अच्छा, एमआर सर अच्छा पढ़ाते हैं? यस सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ओके। क्या अच्छा लगता है एमआर सर पढ़ाते हैं तो? सर मतलब फिजिक्स सर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जल्दी बच्चों को समझ नहीं आता उसमें, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन वो मतलब नीट के बच्चों को और दिक्कत होता है। यस सर, और फिर वो मतलब ऐसे देसी लैंग्वेज में ही समझा देते हैं ना, कि मतलब बहुत अच्छे से वाइट पे क्लियर हो जाता है और क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। ओके ओके ग्रेट, तो फिजिक्स में आपका कितना परसेंट आया है? फिजिक्स में 95 आ रहा है। 95 बोर्ड का फिजिक्स टफ था इस साल का, जैसे सर वो सेट 3 भी सर और सर टफ था, सेट 3 वाला वही मिला था। कैसे आ गया, मतलब कुछ सर बनाए तो सारा क्वेश्चन थे, लेकिन मतलब ऐसे कंफर्म नहीं था कि सही है कि गलत है, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था बोर्ड, लेकिन नीट से ज्यादा टफ था बोर्ड का पेपर। यस सर, यस सर, तो ऐसा कह सकते हैं कि मतलब पेपर तो टफ था बट नंबर ठीक दिया गया है। हाँ नंबर तो सही दिया है, नंबर सही, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैं देख रहा हूँ 95-97 तक भी मैंने देखा है। हाँ यस सर, ऐसा मतलब एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना आ जाएगा फिजिक्स में। खासकर फिजिक्स का पेपर देने के बाद तो सब रो रहे थे कि फिजिक्स। यस सर, यस सर, और बायो में कितना आया है आपका? बायो में 97 आया। 97, तो आपने समाप्ति मैम से पढ़ा होगा, और भी कोई बायोलॉजी के टीचर आपको पढ़ाए होंगे ना? बोटनी रुपेश सर से। रुपेश सर कैसा पढ़ाते हैं? वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, उनका भी मतलब जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा है, वो मतलब वो पूरा एनसीईआरटी का मतलब एक एक लाइन बता देते हैं क्लास में। अच्छा, केमिस्ट्री में कितना आया है? केमिस्ट्री में 98 आया। नहीं, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में ही है, राइट? हाँ सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री आपको सबसे ज्यादा पसंद है या केमिस्ट्री आसान है इसलिए ज्यादा आ गया है? सर पसंद तो नहीं है केमिस्ट्री, लेकिन केमिस्ट्री में बस यही है कि एनसीईआरटी मेन है, क्योंकि सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है, तो वो मतलब वो किए थे हम तो एनसीईआरटी से बन गया था क्वेश्चन। ओके, एनसीईआरटी आप तो नीट के लिए भी आपने पढ़ा होगा पूरा लाइन। यस सर, यस सर। केमिस्ट्री क्यों पसंद नहीं है, क्या प्रॉब्लम है केमिस्ट्री में? सर उसमें इनऑर्गेनिक में बहुत ही एक्सेप्शन होता है, उसको रखना पड़ता है बहुत, फिजिकल तो फिर भी फॉर्मूला एक्सेप्शन नहीं होता है, क्या होता है बताओ एक्सेप्शन में क्या होता है? मैं इनऑर्गेनिक ही पढ़ाता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में भी तो कोई कोई कॉन्फ़िगरेशन जैसे गैडोलिनियम का एक्सेप्शन होता है बहुत सारा, इसीलिए होता है। एक छोटी सी ट्रिक होती है, मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जिससे पूरे डी ब्लॉक का, आप पूरे डी ब्लॉक का जितने एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। हाँ लेकिन उसमें मतलब याद बहुत करना पड़ता है।
नहीं करना पड़ता है। करना पड़ता है। तो अभी क्या लगता है आपका नीट में इस बार सिलेक्शन का चांसेस लग रहा है राइट? यस सर लग रहा है। इस बार आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा सर? लग तो रहा है लेकिन जब मतलब इस बार स्कोर्स भी बहुत ज्यादा आ रहा है ना बहुत सारे बच्चे को। पेपर बहुत आसान था। हाँ यस सर। तो मतलब डॉक्टर बनके क्या करोगी सर? सर डॉक्टर बनके सर नहीं मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर वन पैसा कमाऊंगी। ऑप्शन नंबर टू खूब ढेर सारा पैसा कमाऊंगी। ऑप्शन नंबर थ्री समाज की सेवा करूंगी। ऑप्शन नंबर फोर इंटरव्यू में बोलने के लिए बोल दे रही हूँ समाज की सेवा करूंगी बट ऐसा दिल में नहीं है। क्या सही है? नो सर ऑप्शन थ्री। थ्री सही है? यस सर। समाज की सेवा करनी है? यस सर। और पैसा भी कमाना है? सर पैसा तो कमाना मतलब पैसा तो कमाना ही पड़ेगा तभी तो खुद भी यस सर। लेकिन पैसा कमाने में गलत क्या है? पैसा कमाना गलत सर सही तरीके से होना चाहिए। सारी चीजें कर रही है सही तरीके से होना चाहिए। तो आपको डॉक्टर बनने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि डॉक्टर ही बनना है या सिर्फ इसलिए डॉक्टर बनने का सोच लिया कि चलो इंडिया में है सब लोग इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करते हैं हम भी मेडिकल की तैयारी करते हैं या कुछ है अंदर से कि नहीं मुझे इस कॉज के लिए डॉक्टर बनना है इसलिए डॉक्टर बनना है? सर मेन तो सर कोरोना का जब टाइम था तो उस वक्त कितने ही मतलब लोग जो थे वो बढ़ रहे थे ऑक्सीजन का इतना कमी हो रहा था उस टाइम बहुत ज्यादा केस था इतना लॉकडाउन चल रहा था तो मतलब उस वक्त टीवी तो हम देखते थे मतलब टेलीविजन में तो इतना लोग मतलब मरते जाता था तो हमको वही से देख के हमको लगा कि हम भी डॉक्टर बने क्योंकि उस वक्त हम 9th में थे तो फिर हम सोचे थे कि डॉक्टर ही बनना है बड़े होके मतलब सेवा करना है लोगों का। कौन सा डॉक्टर बनना है सर? हार्ट का। हार्ट का ही क्यों बनना है सर? हार्ट का सर हमको मतलब अच्छा लगता है हार्ट ही का डॉक्टर बनना कार्डियोलॉजिस्ट बनना अच्छा लगता। जो बाकी एस्पायरेंट्स हैं जो इस साल नीट का जो इस साल 12th में गए हैं साथ साथ नीट की भी तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे कई बार टेंशन में रहते हैं परेशान रहते हैं कि यार नीट की तैयारी तो मैं कर रहा हूँ लेकिन बोर्ड के लिए मैं कैसे करूंगा बोर्ड में मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा बोर्ड में मेरा कहीं 75% मार्क्स भी नहीं ना पाया तो मैं क्या करूंगा? तो उन बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे कि बोर्ड का जो डर है ये डर मतलब कैसे निकालें अपने अंदर से? सर सिलेबस तो या फिर जेई हो या फिर नीट हो और बोर्ड का ऑलमोस्ट सेम होता है सिलेबस तो पहले तो इनिशियल में तो जब स्टार्ट होता है प्रिपरेशन तब तो हम लोग को ज्यादा फोकस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ही देना चाहिए वहां का मतलब सॉल्व कर जैसे टीचर बोलते हैं बस वही फॉलो करो एक ही टीचर पे स्टिक रहना चाहिए टीचर भी बार बार चेंज नहीं करना चाहिए और एक ही टीचर को फॉलो करते रहना चाहिए और लास्ट में मतलब जब बोर्ड्स भी आते हैं तो बोर्ड्स में बस लिखने का प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि उसमें थ्योरी ज्यादा होता है बोर्ड में मतलब MCQ कम आते हैं तो फिर लिखने का प्रैक्टिस का टाइमिंग हम लोग को थोड़ा इंक्रीज कर देना चाहिए ताकि लिखने में प्रॉब्लम ना हो और टाइमली मतलब खत्म हो जाए जो भी पेपर है हमारा तो बस उसका प्रैक्टिस करना है और फिर कुछ नहीं सिलेबस को सेम है सिलेक्शन तो उसमें भी हो जाएगा और बोर्ड भी हो जाएगा। कितना घंटा पढ़ती थी डेली सच बताना? सर हम टाइमिंग नहीं कभी भी देख के पढ़ते थे मतलब पढ़ते जाते थे जब से उठते थे तब से पढ़ते ही थे बस जब खाने उठते थे। कितने बजे उठते थे? उठते 7 बजे। फिर क्या करते थे उसके बाद खाने में ब्रेकफास्ट में कितने बजे करते थे? 8 बजे। 8 बजे ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? ब्रेकफास्ट में मम्मी रोटी या फिर सब्जी बनाती थी सुबह रोटी वगैरह यही सब और फिर 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते थे फिर मतलब पढ़ते रहते थे कभी कभी बीच में ब्रेक भी लेते थे 5-5 मिनट का और फिर 1 बजे दोपहर का खाना फिर उसके बाद थोड़ा सा सो जाते थे थोड़ी देर के लिए और फिर उसके बाद में दाल चावल भुजिया दाल हाँ, भात भुजिया हाँ यस सर और फिर उसके बाद फिर से पढ़ने लगते थे। यस सर शाम में क्या खाते थे? शाम में सर ये बिस्किट ये सब कभी मन किया तो ये मैगी ये सब। तुम छपरा से हो बिहार में भी छपरा से हो दिन मैं बार बार इसलिए पूछ रहा था कि एक बार भी तुम कम से कम कहेगी कि लिट्टी चोखा खाते थे मतलब बाहर वाले तो जैसे ही बिहार छपरा सुनते हैं वो लिट्टी चोखा की तरफ ध्यान जाता है। यस सर खाते हैं ऐसा बात नहीं है। ओके ओके चलो तो मतलब सुबह से ही सुबह 9 बजे से पढ़ना पे स्टार्ट करते थे और रात को कितने बजे तक आपका पूरा खत्म होता? रात को सर 12 बज जाता था। बारह बज जाता था यस सर।
तो डेली मैं मान लू कि 7 घंटे का आपका सोने का समय होता था। और सोना भी जरूरी है क्योंकि जब प्रॉपर मतलब नींद कंप्लीट होगा तभी फिर पढ़ने में भी मन लगता है, मन लगेगा, एनर्जी रहेगा पूरे दिन। ऑनलाइन पढ़ाई करने में आपको कोई दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम आई, कोई समस्या? नो सर, वैसे तो नहीं होता था कोई प्रॉब्लम क्योंकि टीचर ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते थे। कोई भी मतलब एक बार बताते तो समझ में आ जाता था, और एक बार नहीं वो तो 2-3 बार रिपीट कर ही देते थे। ऑनलाइन में तो होता ही कर देते हैं। बच्चों का रहता है ना कि बहुत सारे बच्चे छपरा से ही पटना जाते हैं कि उनको ऑफलाइन पढ़ना है, ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में डाउट कौन बताएगा। लेकिन सर डाउट सॉल्विंग भी तो PW ला ही दिया है, डाउट सॉल्विंग का भी एक अलग से फीचर है, उसमें टीचर तो बता ही देते हैं। तो मतलब बच्चों को ऐसा लगता है ना, पेरेंट्स को भी लगता है कि क्लास में इतने ज्यादा बच्चे होते हैं फिर इतने सारे बच्चों का डाउट कैसे सॉल्व होता है इस पे। लेकिन क्या सर मेरा तो मानना है कि ऑफलाइन से अच्छा ऑनलाइन ही होता है, मतलब मेरा ऐसा व्यू है क्योंकि मतलब ऑफलाइन में तो मोस्टली देखा जाता है कि ऑफलाइन में तो बार बार एक तो जाना आना पड़ता है, उसका तो होता ही है, कोचिंग जाओ फिर आओ इतना, और फिर ऊपर से एक क्लास में मोस्टली देखा जाता है कि 100 बच्चा रहता है या 150 का बच्चा का स्ट्रेंथ रहता है, और फिर ऊपर उसमें मतलब बहुत सारा बच्चा का डाउट होता है, टीचर के कभी वो जो मेन टीचर है वो नहीं भी बता पाता है आपका सॉल्यूशन, फिर दूसरे से पूछना। लेकिन ऑनलाइन में तो वो एक ही चीज को बहुत बार बता देता है, और उसमें टाइम लिमिट भी तो होता है ऑफलाइन में, इसमें तो तुमको एक वीडियो है उसको तुम बार बार देख भी सकती हो ऐसे। और आपके आपको घर से बाहर भी रहना पड़ता है, आप घर में रह के पढ़ाई कर रहे हो, लोकल जगह पर अच्छी कोचिंग नहीं रहती है तो उससे भी दिक्कत आता है। यस सर। ओके, तो ऑनलाइन बेस्ट है। यस सर, ऑनलाइन बेस्ट। पापा क्या करते हैं आपके, मैं पूछना भूल गया था। पापा तो सिर्फ फार्मर है। ओके, तो छपरा में ही, मतलब जैसे आपने बताया छपरा शहर में ही आपका घर है? नहीं, मेरा गांव तो दूसरे जगह है। गांव कहाँ है? गांव में चलते हैं। गांव आमी के साइड। आमी के साइड में है, तो वहाँ खेती होती है? हाँ वहाँ पे घर है। क्या किस चीज की खेती होती है सर? वो गेहूं ये सब का। गेहूं, धान, सरसों, जो ट्रेडिशनल यूपी बिहार की खेती है वो होती है। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हाउसवाइफ है। ओके, आप कितने भाई बहन हो? 4। 4, ओके। बाकी लोग क्या करते हैं? आप सबसे छोटी लग रही हो क्या? सबसे छोटी हो? हाँ। तो आपके भी छोटे बच्चों, जैसे वो होता है ना कि जो जितने भी फर्स्ट मेंबर होते हैं हर ग्रुप के, उनकी एनोमलस बिहेवियर होती है, मतलब उनके अलग नखरे होते हैं, लाइक नाइट्रोजन को देख लो, कार्बन को देख लो, बोरॉन को देख लो, ऑक्सीजन को देख लो, सबके अलग नखरे हैं, राइट? आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो आपका भी कुछ ऐसा है कि फैमिली में सबसे अलग है आपका नखरा? नो सर, ऐसा कुछ छोटे बच्चों का रहता है ना? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। ओके, बाकी लोग क्या करते हैं? भैया, दीदी, बाकी लोग क्या करते हैं? बड़ी दीदी जो है वो तो अब जॉब करती हैं। ओके, और फिर जो मतलब जो सेकंड है दीदी है वो अब मतलब वो पढ़ाई करती है इंजीनियरिंग का, बीटेक का, और फिर भैया भी बीटेक कर रही है आपकी दीदी? यस सर, यस सर। और फिर भैया अभी प्रिपरेशन कर रहा है जेई का। ओके, जेई का, ठीक है। Yes. तो मतलब भाई इंजीनियर और एक बहन डॉक्टर, ऐसा आप लोगों ने डिसाइड कर दिया है? हाँ, बड़ी दीदी भी इंजीनियरिंग है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो फिर जाते जाते बस एक दो चीजें और मैं पूछूंगा आपसे, फिर इंटरव्यू को खत्म करेंगे। जैसे आपके नंबर काफी अच्छे आए हैं तो इसमें मतलब कैसे लिखें इसका भी काफी अच्छा इम्पोर्टेंस रहता है। Yes, कई बार हम लोगों ने देखा है कि जो जेई नीट के स्टूडेंट होते हैं बोर्ड में अच्छा नंबर नहीं ला पाते हैं, फेल हो जाते हैं। इवन कई बार फेल भी हुए हैं, खासकर बिहार बोर्ड से एक दो बच्चे एक दो बार फेल हुए थे, या उनका 75% मार्क्स नहीं आ पाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? जेई मेन में काफी अच्छा स्कोर कर रहा है, तो प्रॉब्लम जनरली ये आता है कि बोर्ड में वो सही से लिख नहीं पाता है। तो आपने किन चीजों का ध्यान रखा था जो बोर्ड के क्वेश्चन, बोर्ड का जो आपने एग्जाम दिया था उसके क्वेश्चन को लिखने में किन चीजों का ध्यान आपने दिया था? सर पहले तो जो भी मतलब जो क्वेश्चन पेपर का सीक्वेंस है उसी को फॉलो करना चाहिए, मतलब अगर बीच में कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उसको उसकी जगह को छोड़ देना चाहिए, और फिर दूसरा क्योंकि जो चेक भी करता है वो ऐसे देखता है कि फर्स्ट सेकंड ऐसे देखते रहता है, तो उससे आसानी होता है उसको चेक भी करने में।
और फिर मतलब एक क्वेश्चन लेके थोड़ा गैप छोड़ना चाहिए बीच में, और फिर सेकंड स्टार्ट करना चाहिए ऐसे, मतलब जो प्रेजेंटेशन होता है वो अच्छा लगता है। और मतलब पहले प्रैक्टिस तो जरूरी है, क्योंकि जो मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चा होता है वो ज्यादा ध्यान जो होता है वो कॉम्पिटिशन पे ही लगा देता है, वो बोर्ड का ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करता है, इसी के कारण होता है कि मतलब वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है। चलो कुछ और बताना चाहती हूँ आप, लाइक कई बार होता है ना कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो कुछ सोचते हैं दिमाग में ये बताएंगे, बट सामने वाला वो क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, तो ऐसा कुछ है तो आप बता दो, कुछ आपने सोच रखा होगा कि सबको बताना है मुझे ये चीज बताना है। सर ऐसा कुछ नहीं था, बस यही था कि नीट में जब सिलेक्शन होगा तो फिर जो टीचर से पढ़े हैं उससे मिलने का मौका मिलता तो अच्छा रहता। नहीं वो हम जरूर बुलाते हैं, जो भी बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं उनको नोएडा बुलाया जाता है, ठीक है, और आपको भी मिलने के लिए बुलाया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये बुलावा आपको इसी साल आ जाए, ठीक है, यस सर, इसी साल आपका नीट में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, तो आपको भी नोएडा जरूर बुलाया जाएगा, और आपको एमआर सर से, समाप्ति मैम से और बाकी सर से, जो भी टीचर्स हैं सबसे आपको मिलने का मौका मिलेगा। ओके यस सर, ठीक है, चलो इंटरव्यू यहीं पे खत्म होता है। वैसे मैं भी छपरा से हूँ इसीलिए आपसे इतना ज्यादा सवाल पूछ रहा था, आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। मेरा नाम विजेंद्र कुमार है, आप देखना मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, आपको पता चल जाएगा सब कुछ, सच कर। ओके बाय।